दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा परिसर में 2023-24 वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। दिनांक 31 अगस्त 2024 शनिवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा में कक्षा बिगिनर्स से 12वीं तक की छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सायं 4 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो. 0 सुरेंद्र मोहन यादव के मंचासीन होने के बाद उन्हें मिथिला की परंपरानुसार पाग, चादर, गुलदस्ता एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत गान से अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. 0 यादव ने शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। यदि आगे बना है तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके बाद स्कूल कैबिनेट सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉ. शोएब अहमद खान ने विजेताओं को बधाई देते हुए उन्हें आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किए। छात्र छात्राओं द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिषासुरमर्दिनी स्त्रोत सुनकर सभी दर्शक भक्ति एवं भावपूर्ण होकर मंत्रमुग्ध हो गए। पुरस्कार वितरण समारोह में लगभग 300 छात्र छात्राएं अभिभावक संग उपस्थित हुए। पुरस्कार स्वरूप सभी को प्रशस्ति प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं पदक प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत वार्षिक शैक्षणिक पुरस्कार, शत प्रतिशत उपस्थिति, अनुशासन, स्कूल ड्रेस कोड, मार्शल आर्टस विजेता, जूनियर एडिटर, रंगोली, दिया मेकिंग, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, गायकी, नृत्य, चित्रकारी, वक्ता अंग्रेजी हिंदी, क्लास मॉनिटर, हाउस विजेता, राष्ट्रीय एथलेटिक्स आदि अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किए गए। पुरस्कार वितरण के मध्य नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्यालय परिवार के अन्य सदस्यों एवं सभी सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का समापन प्राचार्य श्रीमती अनुराधा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।
और कितनी बेटियों के माँ बाप को ऐसा दिन दिखाते जाएगा। आखिर क्यों है ऐसा हमारा समाज, क्या कोई इस बात पे जवाब दे पाएगा? कहने को तो हम नई सोच के साथ शहर में रहने वाले लोग हैं, तो अब कौन इस दरिंदगी को मिटाएगा? दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रतिवर्ष अपने बच्चों को सम्मानित करती है, और जो बच्चे हमारे अलग अलग चीज़ों में, जिस तरह बच्चों का अच्छा होमवर्क करने वाले हों, उनका अटेंडेंस अच्छा होता है, जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, अलग अलग क्षेत्र में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस जो होता है, ऐसे बच्चों को उनके गार्जियंस को बुला करके हम लोग हर प्रतिवर्ष जो है वो सम्मानित करते हैं, ताकि उनका मनोबल जो है वो ऊंचा हो। आज हमारे बच्चे यहाँ पर सम्मानित हों, कल आगे हों, उसके आगे हों, ये उनकी कोशिशें होती रहे कि हमें और भी कुछ बड़ा अवार्ड लेना है, तो इसलिए उनको बुला करके सम्मान देना ये जरूरत होती है। इसी तरह से हम लोग अपने शिक्षकों को भी सम्मानित करते हैं कि उनको भी कम से कम उनका मनोबल हाई होना चाहिए। तो उसी तरह का ये प्रोग्राम स्कूल के अंदर में है। हमारे बच्चे कला के क्षेत्र में, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे हमारे बच्चे, आप अभी मार्शल आर्ट में उन्होंने गोल्ड मेडल अभी लिया है, तो यानी मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हो, अलग अलग जो उनका आप देखते हैं कि क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो इसलिए उनको कम से कम सम्मानित करने की जरूरत होती है, ये उनका अधिकार बनता है। तो यही प्रोग्राम है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, इस तरह प्रोग्राम के अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शैब अहमद खान और मैं निदेशक हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल का।